हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा फंक्शन के टाइप्स। अब हम देखेंगे पीएचपी डेट टाइम। इसमें हम पढ़ेंगे डेट टाइम फंक्शन क्या होता है, उसके पैरामीटर्स एंड एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखते हैं डेट फंक्शन। पीएचपी डेट फंक्शन का यूज होता है डेट एंड टाइम को एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए। पीएचपी डेट फंक्शन फॉर्मेट और टाइम स्टैम्प को एक रीडेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें करंट डेट कहीं पे भी डिस्प्ले करनी है तो क्या करना होगा। करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए डेट फंक्शन का यूज होता है। उसका सिंटैक्स है डेट ब्रैकेट में फॉर्मेट कॉमा टाइम स्टैम्प। इसमें जो फॉर्मेट है वो कंपलसरी है, जो डेट को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है वो बताता है। जैसे हमें मंथ कैसे डिस्प्ले करना है, ईयर कैसे डिस्प्ले करना है, सो ऑन। टाइम स्टैम्प जो ऑप्शनल है, जो टाइम स्टैम्प डिस्प्ले करता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है करंट डेट एंड टाइम। अब देखते हैं उसके कॉमन कैरेक्टर्स, जिसमें आता है सबसे पहले स्मॉल डी, जो आपको डे को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 01 to 31। स्मॉल एम मंथ को रिप्रेजेंट करेगा 01 to 12 में। कैपिटल वाई जो ईयर को डिस्प्ले करेगा 4 डिजिट में, जैसे 2016। एल जो रिप्रेजेंट करता है डे ऑफ द वीक को। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। अब देखते हैं उसके एग्जांपल्स कि किस तरह से हमें करंट डेट डिस्प्ले करनी है। करंट डेट को डिस्प्ले करने हम यहां पे एक वेरिएबल यूज करते हैं, उसके अंदर फंक्शन, यहां पे फॉर्मेट डिफाइन करेंगे, यानी कि हमें डेट कौन सी फॉर्मेट में डिस्प्ले करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डे, देन मंथ, और यहां पे हम कैपिटल वाई ले लेते हैं। तो देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आता है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इको कर देंगे। अब उसका आउटपुट देखते हैं। तो यहां पे आप आज की डेट देख सकते हो। तो इस तरह से आपको करंट डेट डिस्प्ले करनी है तो आप डेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब देखते हैं उसके कॉमन कैरेक्टर्स। जैसे हम यहां पे मान लो कैपिटल एम पास करते हैं तो क्या होता है, यहां पे आपको अप्रैल APR ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम यहां पे कैपिटल डी पास करते हैं तो क्या होता है, तो यहां पे आपको फ्राइडे मिलेगा। तो इस तरह से आप कॉमन कैरेक्टर का यूज करके डेट को कोई भी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखते हैं करंट टाइम कैसे फाइंड आउट होता है। करंट टाइम डिस्प्ले करने के लिए उसका सिंपल सिंटैक्स है डेट ब्रैकेट में H, I, S और A पास कर सकते हो, जिसमें H आपको रिप्रेजेंट करेगा आवर्स को, I यानी कि मिनट, S यानी कि सेकेंड, और ए यानी कि AM और PM में आप डिफाइन कर सकते हो। अगर हमें करेक्ट टाइम चाहिए लोकेशन के हिसाब से तो हमें उसका टाइम जोन डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए उसका इनबिल्ट फंक्शन है डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट, और उसके अंदर आपको प्रॉपर टाइम जोन लोकेशन के साथ पास करना पड़ेगा। अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल कि किस तरह से हम करंट टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां आप स्क्रिप्ट में देख सकते हो, हमने एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया है, एक डेट डिफॉल्ट टाइम जोन और सेट फंक्शन पास किया है। ठीक है, अब उसके अंदर हमें सबसे पहले करना क्या है, हमारा टाइम जोन पास करते हैं, जैसे कि एशिया / कलकत्ता, और उसको हमने पास किया है फॉर्मेट के अंदर H, I, S और 1 के अंदर। तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या आता है। तो यहां पे आप देख सकते हो करंट टाइम। तो इस तरह से आप कोई भी लोकेशन का करंट टाइम फाइंड आउट कर सकते हो टाइम जोन पास करने के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हमें फ्यूचर की डेट फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। तो फ्यूचर की डेट फाइंड करने के लिए हमें पीएचपी का एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और वो है एमके टाइम। जैसे कि मुझे अगर आज से 5 दिन के बाद की डेट चाहिए तो
तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एमके टाइम फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर आवर, मिनट, सेकंड, मंथ, डे और ईयर पास कर देंगे। देखते हैं उसका एक एग्जांपल कि अगर हमें 5 दिन के बाद की डेट चाहिए तो कैसे मिलेगी। तो यहां स्क्रिप्ट में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है डॉलर डी। अब हम यहां पे फंक्शन यूज करेंगे एमके टाइम। हमें अभी से 5 दिन की डेट चाहिए तो आवर जीरो, देन मिनट जीरो, सेकंड जीरो, अब मंथ, तो मंथ फाइंड होगा डेट के अंदर एम पास करने से। अब डे चाहिए तो डेट के अंदर डी पास करने से, और हमें 5 दिन के बाद यानी कि प्लस 5 कर देंगे, और फाइनली ईयर तो हम फाइंड आउट करेंगे डेट के अंदर वाई पास करने से। उसके बाद हमने डेट फंक्शन के अंदर पैरामीटर सेट किया है उसकी फॉर्मेट और डॉलर डी को पास कर दिया है। देखते आउटपुट क्या आता है। तो आज से 5 दिन के बाद 13 तारीख होगी। तो इस तरह से आप फ्यूचर की डेट, मंथ या ईयर कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हमने देखा डेट टाइम फंक्शन किस तरह से होता है और उसके एग्जांपल्स। अब आगे हम देखेंगे पीएचपी एरे।